स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्गेनिक मैकेनिज्म अगेन। आज हम प्रेपरेशन ऑफ माइन की तरफ आते हैं। एक और मैकेनिज्म लेके आए हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। यानी नाइट्राइल के अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, यानी इसको रेडि एनीथिंग किसी भी चीज के अंदर अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, बिना वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किए, देखते हैं मैकेनिज्म की तरफ, कैसे होता है, कैसे रिडक्शन होगा नाइट्राइल का। सो आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, ये लेक्चर वॉच टिल द एंड। तो देखें, यहां पर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल की मैंने बात लिखी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जो किसी भी स्पीशी के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके ऊपर मैंने अलग सी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख ले प्लीज, वहां से और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये हाइड्रोजन ऐड करता है किसी भी चीज के अंदर। वेन वी रिड्यूस नाइट्राइल, नाइट्राइल कौन से स्पीशीज होते हैं जो कि जिसकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होती है? RC(NN). इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम ये यूज करेंगे, देन अमाइन विल बी फॉर्म। तो हमारे पास जाहिर सी बात है अमाइन के लिए हम लगे हुए हैं, तो आप लोगों के पास अमाइन बनेगा। जनरल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, जब हम क्या करेंगे, CH3 CN यानी मिथाइलमीन को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो क्या चीज बन जाएगी जब हम आप लोगों के पास मिथाइल नाइट्राइल जो है उसको हम जब ट्रीट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आप लोगों के पास इथाइल एमीन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड और 2 मॉलिक्यूल जो है वो आप लोगों के पास किसके बन जाएंगे? एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड के, यानी एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड से ट्राईहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, मैकेनिज्म से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आप लोगों के पास मैकेनिज्म है, इस पूरे प्रोसेस का ये मैकेनिज्म है, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों के पास मिथाइल नाइट्राइल है, यानी नाइट्राइल आप लोग कह सकते हैं जनरली। तो इसके देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की स्ट्रक्चर है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है आप लोगों के पास एल्यूमिनियम यानी AlH4 का स्ट्रक्चर है। इस एच की जो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है ये कैसे बनता है। तो ये एच नेगेटिव जो है इसको एक लिथियम ने क्या कर लिया हुआ है, न्यूट्रलाइज कर लिया हुआ है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने यूज कर लिया, AlH4 है चूंकि, लेकिन यहां पर मैंने एल्यूमिनियम को साइड पे रखा, सॉरी लिथियम को, और एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड को मैं यूज कर रहा हूं। ये लिथियम पर हमारे काम आएगा इंशाल्लाह मैकेनिज्म के अंदर, लास्ट स्टेप में ये लिथियम जो है और ये लिथियम कहां से मैंने लिया है वो यूज करेंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड हम इसको बोलते हैं, हाइड्राइड उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जिस हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ये हाइड्रोजन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये हाइड्राइड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए कार्बन से, तो हाइड्राइड जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, इस कार्बन को क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये हाइड्रोजन, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहां पर इस कार्बन के साथ कौन लग गया, हाइड्रोजन लग गया। हाइड्रोजन लगने से कुछ यू स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए CH3 तो आप लोगों के पास है कार्बन के पास, यहां से देखिए ऊपर क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, और इस नाइट्रोजन के ऊपर किस चार्ज ने अपियर होना था, नेगेटिव चार्ज ने जो कि अपियर हो गया है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए, यानी ये नेगेटिव चार्ज दूसरे अल्फाज में कोऑर्डिनेट करेगा। देखिए यहां पर AlH3 रह गया ना, अगर ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो AlH3 तो रह गया, तो कुछ यूं होगा कि ये एल्यूमिनियम जो है ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाए। अब इसी आसना में यहां पर स्टिल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो हम दूसरा AlH4 को यूज करेंगे, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखें यहां पर एक और मॉलिक्यूल मैंने यूज कर लिया,
तो यहां पर आप लोग देखें जो हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज है, जिस तरह यहां पर हुआ, ये हाइड्रोजन नेगेटिव हाइड्राइड आयन जो है वो इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये अगर इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो यहां पर हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन लग गया, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया। लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज है, फिर एक नेगेटिव चार्ज को कोऑर्डिनेट किया हुआ है AlH3 ने, दूसरा देखिए यहां पर AlH3 रह गया ना, तो ये जो है आप लोगों के पास जो दूसरा नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अब इसी असना में दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस मैकेनिज्म के अंदर अप्रोच करेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस एच प्लस और OH नेगेटिव फॉर्म में वाटर को ऐड करेंगे हम। देखें यहां पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब दो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो एच प्लस है, यानी वाटर एच प्लस और OH फॉर्म में हाइड्रोलाइज फॉर्म में ऐड करेंगे, तो ये जो एच प्लस है ये इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और ये जो एच प्लस है जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अगर ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी दूसरे अल्फाज में यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ये कौन ले जाएगा, एक हाइड्रोजन एच प्लस ले जाएगा, और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा एच प्लस ले जाएगा। हमारे पास वाटर से एच प्लस तो चला गया, यहां पर एक ओ एच नेगेटिव हमारे पास रह गया और एक ओ एच नेगेटिव यहां पर रह गया। तो आप लोग खुद सोच लें कि अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया एच प्लस ने, यहां पर भी एच प्लस ने न्यूट्रलाइज किया, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का तो कोई काम नहीं रहा उधर, उसने तो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करने थे, लेकिन यहां पर तो एल्यूमिनियम का AlH3 जो है वो क्या हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा। यानी इस कंपाउंड से एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्राइड जो है वो क्या हो जाएगा, एक स्टेबल कंपाउंड की शक्ल में डिटेच हो जाएगा। अब यूं होगा कि यहां पर कितने एल्यूमिनियम थे, लिथियम थे, दो लिथियम आयन थे। अब दो लिथियम आयन जो है वो इन दो OH आयन को क्या करेगा, टैकल करके क्या बनेगा, 2LiOH। मकसद ये है कि यहां पर भी हाइड्रोजन लग गया और यहां पर भी हाइड्रोजन लग गया, तो हमारे पास यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया CH3CH2, यानी हमारे पास इथाइल अमीन बन गया। दो कार्बन है तो इथेन, लेकिन यहां पर इथाइल है और NH2। देखें यहां पर इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लग गए, कितने हाइड्रोजन लग गए, यहां पर भी हाइड्रोजन लग गया और यहां पर भी हाइड्रोजन लग गया, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके यहां पर NH2 की फॉर्मेशन हो गई। तो यूं आप लोगों ने देखा कि क्या बन गया, अमीन बन गया विद द मैकेनिज्म जिसको हमने किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एंड वाटर मॉलिक्यूल भी इसके अंदर हमने यूज कर ली। आई होप आप लोगों को यह मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।